बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राज शेफ चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको वनीला क्रीम केक बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसानी से बनता है और आप भी आराम से घर में अपनी बर्थडे पर बना सकते हैं। तो अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। जो चीज़ें ऐड करेंगे वो हम अब आपको मैं बताता हूँ। 150 ग्राम मैदा लेना है, 100 ग्राम चीनी लेनी है फीसी हुई, 100 ग्राम घी लेना है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, 2 अंडे लेने हैं। और जी हम अब इसको शुरू करते हैं। जी चीनी और घी को ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और 1 अंडा भी डाल देंगे, और थोड़ा सा करने के बाद 1 अंडा फिर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मैदा थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। जी हमारा मैदा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पैन में डालेंगे और ओवन में रख देंगे पकाने के लिए। जी हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम इसमें क्रीम लगाएंगे। इसको हमने काट के 2 पीस में कर लिया था। जी पहले पीस पे क्रीम लगाई और अब हम दूसरे पीस पे क्रीम लगा रहे हैं। जी जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो बहुत आसानी से और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और हम आपके पास नई नई वीडियो से हाजिर हों। जी हम अब मुकम्मल केक के ऊपर क्रीम लगाएंगे, अच्छी तरह से इसको फिल करेंगे। जी आप भी घर में केक बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है। जी हम देखें, हम बहुत ही आराम से पूरे केक पर क्रीम ऐड कर रहे हैं और आप भी ऐसे आराम आराम से क्रीम ऐड करें। चारों तरफ क्रीम को फिल करना है। जी ये देखिए हमारे केक पर क्रीम लग चुकी है, मुकम्मल क्रीम लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। जी डिज़ाइन करने का तरीका ये थोड़ा सा इस तरह से है। जी हमारा केक अब तैयार हो चुका है और हम अब इसको फ्रिज में रखेंगे और ठंडा करके हम मेहमानों के आगे सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसे घर में बनाएं, बहुत ही आसानी से बनेगा
और हमें कमेंट्स में बताएं कि केक कैसा बना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच जाए।